हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बॉलीवुड के सितारों की बात करते रहते हैं, बार बार ऐसी भी वीडियो प्रदर्शित करते हैं जो हिंदी फिल्म के चाहकों को बेहद पसंद होती है। कोई ना कोई सितारे, कोई हीरो, कोई हीरोइन और कोई विलन या कोई भी कलाकारों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हम प्रदर्शित करते हैं और लोगों ने बेहद पसंद भी की है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकारों की, दो कलाकारों की, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता उसे। सबसे पहले कलाकार है महमूद। महमूद एक जाने पहचाने कॉमेडी आर्टिस्ट थे हिंदी फिल्म में, जो नंबर वन कॉमेडी हीरो थे। और महमूद जो है वो ज़्यादातर फिल्मों में उनके ऊपर फोकस रहता था, कैमरा, हीरो के ऊपर कम वेटेज रहता था। और महमूद जो फिल्म में रहते थे उसमें भी उसका रोल बहुत बड़ा था। आपने कहीं भी फिल्म देखी होगी, बड़े बड़े कलाकारों के साथ महमूद छा जाते थे पर्दे पर, और एक निर्दोष हास्य और अच्छी सी कॉमेडी लोगों को पेट पकड़ के हंसाती थी। और महमूद का ऐसा सुना है कि कभी कभी वो हीरो की जो फी थी एक्टर की, उससे भी ज़्यादा फी कभी कभी लेते थे और ली थी बहुत सारी फिल्मों में। तो ये महमूद का परिचय इतना ही काफ़ी है ना? तो चलिए एक थोड़ी महमूद की झलक भी देखें। उसके बाद एक और भी स्टार आए, हीरो बनने आए, एक स्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, लंबे कद के, 6 फुट से भी ज्यादा, और नॉर्थ इंडिया लखनऊ से आए, अमिताभ बच्चन। तो एक फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, उसमें उसको एक रोल मिला था। तो सात हिंदुस्तानी फिल्म में महमूद का भाई भी था उसके साथ ये फिल्म में। तो अमिताभ बच्चन को ये महमूद के भाई के साथ, भाईजान के साथ थोड़ी दोस्ती हुई, और ये भाईजान ने महमूद के साथ इंट्रोडक्शन करवाई। और सुना है, और ये सत्य भी है, जब अमिताभ बच्चन बंबई आए थे, शादीशुदा नहीं थे, बैचलर युवान थे और ड्रामा आर्टिस्ट और थोड़ी बहुत एक्टिंग करते थे, तो उस वक्त उसके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था, तो किराए का मकान ढूंढने में प्रॉब्लम रहता था। तो महमूद कलाकार ने अमिताभ बच्चन को आसरा दिया, अपने मकान में अमिताभ बच्चन को रहने के लिए जगह दी, किराए पे दिया। ये बात भी सही है। और ये आगे तो हम जानते हैं, जब महमूद के साथ बॉम्बे टू गोवा फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसमें अमिताभ बच्चन इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारे लोग उसे जानने लगे कि ये अमिताभ बच्चन जी है। फिर भी वो फिल्म में महमूद फेमस रहे थे, महमूद के ऊपर ज़्यादा कैमरा था, अमिताभ बच्चन साइड में थे, महमूद मेन हीरो थे, ये भी सही बात है। और वो सुपर हिट गई थी बॉम्बे टू गोवा फिल्म, बहुत बढ़िया कॉमेडी और अच्छी फिल्म थी। अरुणा ईरानी जी अमिताभ के साथ हीरोइन थी। तो ये बिगिनिंग में अमिताभ बच्चन का कैरियर शुरू हुआ। और बाद में जंजीर फिल्म प्रकाश मेहरा जी की रिलीज हुई तो उसमें अमिताभ बच्चन की नसीब का द्वार खुल गया, उसकी तकदीर खुल गई और बड़े स्टार बन गए। देखा ना है रसोई
तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। हाँ, तो ये तो बात सही है कि अमिताभ बच्चन स्टार बन गए, लेकिन जब जब उसकी तरक्की हुई तो उसने महमूद के घर से और निकलकर और एक और मकान लिया किराए पर। महमूद की दोस्ती तो यथावत थी, महमूद और अमिताभ बच्चन का रिलेशन बहुत अच्छा था और महमूद ने उसे कमाना सिखाया। ऐसा महमूद की एक रिकॉर्डिंग थी, उसमें उसने उल्लेख किया है कि अमिताभ बच्चन का वो दूसरा बाप माना जाता है। सबसे पहला बाप तो ये है जो अपने बेटे को पैदा करता है, वो असली बाप होता है, और दूसरा बाप वो होता है जो ये बेटे को कमाना सिखाता है। तो महमूद ने अमिताभ बच्चन को कमाना सिखाया, ये सारी इंडिया जानती है और फिल्म इंडस्ट्री को भी पता है। तो बढ़ते बढ़ते दिनों में अमिताभ बच्चन जी तो बहुत बड़े स्टार बन गए और धीरे धीरे करके भूलने लगे महमूद को। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन। हाँ, ये तो बात बराबर है, आपने सही बात कही। और लेकिन ऐसा भी हुआ, एक टर्निंग पॉइंट भी जिंदगी में आया कि जो आघातजनक था महमूद जी के लिए। महमूद को हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था, बीमार हो गए थे, हार्ट की सर्जरी के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे महमूद। उसके पहले अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन भी कहीं गिर गए थे, तो उसकी भी ट्रीटमेंट हो रही थी। जब महमूद जी का ऑपरेशन हुआ था ब्रिज कैंडी अस्पताल में, तो वहाँ अमिताभ बच्चन और उसके फादर दोनों हरिवंश राय बच्चन जी को कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए थे दिखाने के लिए। उसको पता था, अमिताभ जी को पता था कि महमूद ये अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं हार्ट सर्जरी की, लेकिन अमिताभ बच्चन गए नहीं महमूद के पास उसकी खबर पूछने के लिए, एक छोटा सा फूल भी नहीं भेजा। ये महमूद को बहुत दुख हुआ था, सदमा पहुंचा था कि बस ये तो बड़े आदमी बन गए, हमारा कोई क्लास नहीं। अमिताभ बच्चन की ये जो बात है वो सत्य घटना है। अमिताभ बच्चन अस्पताल में खबर अंतर पूछने नहीं गए थे। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा, हो जागे सारी रहना। हाँ, ये बात भी सही है, यू आर राइट। लेकिन वो भी बात सही है कि जब हरिवंश राय बच्चन की खबर अंतर पूछने के लिए महमूद जी जाते थे, अमिताभ बच्चन के घर जाते थे, और ये रिलेशन तो इतना अच्छा था कि अमिताभ को भी अच्छा लगता था कि चलिए कोई आता है देखने के लिए, ये भी एक अच्छा दोस्त है। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, क्या से क्या हो गया, और पता नहीं, जब 71 की उम्र थी 71 साल की महमूद जी की, तब वो चल बसे इस दुनिया से। उसी दौरान अमिताभ बच्चन को दुख हुआ था
उसने बोला था वीडियो रिकॉर्डिंग में कि महमूद जी ने मुझे कमाया सिखाया था, मेरी तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है और उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन ये क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत तो ऐसे भी हुआ है, इट इज फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज वॉच पीयूष वन प्लस चैनल, नॉलेज एंटरटेनमेंट एंड एस्ट्रोलॉजी।